देख गाइस, पापा गांव से आए और मतिरे काकड़े काचरे टिंड से सब आ गए, सब सब सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यार करते हैं व्लॉग की शुरुआत फिर से। बहुत दिनों बाद मैं ऐसे शूट कर रही हूँ। तो अभी ना शाम का टाइम हुआ है, मतलब 4 बजे है। मैं सो गई थी थोड़ी देर, तो फिर बस नहाई हूँ, उठी हूँ, अभी बनाएंगे चाय और फिर हम रात को या फिर मॉर्निंग में निकलेंगे जोधपुर। तो राखी वाखी बंधवाएंगे तो वही मैं शूट करूंगी। तो पापा गए थे गांव फ्रेंड्स, तो आ गए हैं अभी, आई वो ट्रेन में और बहुत सारे खेतों की जो सीजनल सब्जियां होती है ना वो लेके आए हैं। वो एक्चुअल गए थे कल्याणपुरा जो कि मेरे सिस्टर इन लॉ का ससुराल है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें भिजवाई है। उनके खेतों में बहुत सारी इस बार शायद हुई है, तो ना इसको बोलते हैं मतिरा हमारी लैंग्वेज में, बड़े भी है कुछ छोटे भी है सब्जी के लिए। और उसके बाद है ना काजरे, और इसमें जो छोटी सी देली इसमें ये होती है मोठ की फली, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और मम्मी की पर्सनली बहुत फेवरेट है। तो फिर वो लेके आ गए और मम्मी और ये सब देख के बहुत खुश है फ्रेंड्स, और अच्छा भी लगता है। ये सब उन्होंने बहुत पहले खा रखी है, अब कम आती है यहाँ पे, बट पापा इस टाइम जाते ही रहते हैं तो कोई कमी नहीं है, ले आते हैं। और उसमें थी टिंडसी और ये काजरे सब, मतलब ना कुछ किसी ने गांव से भिजवाई है मम्मी की बुआ ने और कुछ इनके ससुराल से आई है, तो वही देख के सब खुश हो रहे हैं और दक्षा मेरे बहुत हैप्पी हो रही है ये सारी चीजें देख के। तो अच्छा लगता है, ये सीजन सब्जियां खाने में बहुत टेस्टी होती है फ्रेंड्स और हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और दक्षा कर रही है मेरी वीडियो शूट, तो वो वीडियो शूट कम करती है और सर ज़्यादा खाती है। सवालों के बाढ़ जो होती है ना वो उसकी बातों से लगता है मुझे, कभी कभी बहुत सवाल पूछती है, तो मैं चाय पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी और उसके सवालों को इग्नोर कर रही थी, बट वो कंटिन्यू पूछती है फिर जब तक उसको जवाब नहीं मिलता है। तो बस उससे बातें करते करते मेरी चाय भी बन गई और आ जाइए फ्रेंड्स चाय एंजॉय करते हैं साथ में। आनंद ही अलग है चाय वो। सबसे पहले टीका करो ना। तो यहाँ पे हो रही है राखी बांधने की तैयारी, क्योंकि फिर हम निकल जाएंगे तो राखी पे यहाँ नहीं रहेंगे, तो राखी बंधवा के ही निकलेंगे। तो यहाँ पे सिंगता जी बांध रहे हैं राखी और नन्नो को हमारे बीच में ही रहना है, दूर नहीं जाना है, पूरा फोकस है इसका थाली पे। तो बस हमारा हो गया था यहाँ राखी का, और दक्षा हमारे कब से वेट कर रही थी कि कब बुआ और पापू हटे और मेरी बारी आए। तो फाइनली बस उन दोनों को लेकर मैं राखी बंधाती, क्योंकि दक्षा को ना कोई भी भले त्यौहार हो बहुत शौक है उसका, हर चीज़ का कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो वो सुबह से इस चीज़ का वेट कर रही थी कि राखी बांधनी है राखी बांधनी है। तो बस उसने नन्नू को बांधा है, वैसे नन्नू की सेकंड राखी है, पिछली बार भी हमने बंधवाई थी, वो नहीं समझती थी, अब थोड़ी थोड़ी समझने लग गई है, तो उसको भी मज़ा आ रहा है, वो एंजॉय कर रही है।
राखी कैसे बांधते हैं, जैसे बुआ ने बांधी है पापा को तो उसको भी बांधनी है दक्षा की, तो मैं उसको चीज़ें समझा रही थी, वो अच्छे से वो एंजॉय करके बांध रही थी ऐसे। नहीं तो बच्चे होते हैं ना चिड़चिड़ हो जाते हैं, नहीं बांधते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो बैठी थी आज तो आराम से और टीका कर रही थी, मतलब लड्डू वड्डू खिला रही थी और मज़ा कर रही थी। ओके फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा राखी का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और न्यू हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी मेरे मायके का व्लॉग, क्योंकि हम निकल रहे हैं अभी। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।